गाइस यार फ्री फायर पर मैक्सिमम बंदों के साथ एक ही प्रॉब्लम आती है कि भाई एनिमी जब इधर उधर रन कर रहा होता है या फिर भाई जंप कर रहा होता है तो उसको वन टैप हेडशॉट लगाना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन जिसको रोटेशन हेडशॉट ट्रिक सही से आता है ना, उसके लिए भाई ये बहुत आसान होता है, वो हर सिचुएशन पे वन टैप हेडशॉट लगा लेता है। इसलिए गाइस अगर आपको सारे रोटेशन हेडशॉट ट्रिक नहीं पता तो आप लोगों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भाई आज की वीडियो में आप लोगों को रोटेशन हेडशॉट ट्रिक को फुल डिटेल्स में बताने वाला हूं, वो भी गाइस हैंड कैम के साथ, ताकि आप लोग भी सारे सिचुएशन पे वन टैप हेडशॉट इजीली लगा सको। तो चलो जान लेते हैं रोटेशन हेडशॉट ट्रिक को फुल डिटेल्स में। बट भाई इससे पहले कि वीडियो को स्टार्ट करूं, लाइक के बटन को जरूर से दबा देना, क्योंकि भाई हैंड कैम के साथ समझाया हूं। ओके तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो भाई लोग यहां पर तीन रोटेशन हेडशॉट ट्रिक यूज होता है, जिसमें से पहला जो है राइट साइड रोटेशन, दूसरा लेफ्ट साइड रोटेशन, तीसरा फुल रोटेशन। और यहां पर हम सबसे पहले सीखेंगे राइट साइड रोटेशन हेडशॉट ट्रिक, जिसको भाई मैक्सिमम बंदे वन टैप हेडशॉट और सारे हेडशॉट के लिए यूज करते हैं। ओके तो ध्यान से देखो, पहले मैं स्क्रीन रिकॉर्ड के साथ समझा रहा हूं, उसके बाद भाई हैंड कैम के साथ भी समझा दूंगा। ओके तो ध्यान से देखो, एनिमी के राइट साइड कहीं पर भी एम आए ना, मतलब समझ जाओ एनिमी के राइट साइड कहीं पर भी एम आए, आपको भाई फायर बटन को नीचे से राइट साइड से ऊपर की ओर ड्रैग करना होगा, मतलब कि गाइस हाफ डब्ल्यू ड्रैग। अब आप सोच रहे होगे हाफ डब्ल्यू ड्रैग क्या है, तो भाई डब्ल्यू को हाफ कर लो, आपको जो जो एरो मिल जाएगा ना उस तरीके से आप लोग को ड्रैग करना है। ओके स्लो मोशन में देखो, एम आया यहां पर, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, हाफ डब्ल्यू मतलब फायर बटन को नीचे, अब ऊपर। अब आप लोग सोच रहे हो कि भाई नीचे क्यों करना है, फायर बटन को नीचे क्यों करते हैं, तो यहां पर मैं आपको हैंड कैम के साथ दिखाकर समझा रहा हूं, ताकि आप लोग को सारा क्लियर हो जाए। ओके तो ध्यान से देखो, एक बार समझ जाओगे ना, आपको ड्रैग करने में ध्यान नहीं देना होगा, सिर्फ रोटेशन हेडशॉट ट्रिक सीख जाओ, आपका वन टैप हेडशॉट लगने लगेगा। ओके तो ध्यान से देखो, ये जो फायर बटन है ना, फायर बटन को नीचे इसलिए करता हूँ क्योंकि भाई चेस्ट पे जाता है, ठीक है। चेस्ट पे फायर होने से पहले हम लोग ऊपर की ओर ड्रैग कर देते हैं, मतलब हेड की ओर, ठीक है। तो ध्यान से देखो, मैं आपको स्लो मोशन में दिखाऊंगा ताकि अच्छे से आप लोग समझ जाओ। फायर बटन को नीचे करना है, जैसे ही चेस्ट पर जाने वाला होता है ना, मतलब फायर होने वाला होता है, उसी टाइम पे हम लोग ऊपर की ओर ड्रैग कर देते हैं। तो ध्यान से देखो, मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे हैंड कैम के साथ, ठीक है। एम आया यहाँ पर, आप लोग को भी दिख रहा है एम आया, उसके बाद भाई फायर बटन को नीचे से ऊपर, इसको भाई स्लो मोशन में दिखा रहा हूँ ताकि और अच्छे से आप लोग समझ जाओ। एम आया, मैं देखो यहाँ पर फायर बटन को क्लियर तरीके से आप लोगों को समझ में आ जाएगा, ठीक है। सिंपल है भाई, आप लोगों को प्रैक्टिस करना होगा, ठीक है। प्रैक्टिस नहीं करोगे समझ में नहीं आएगा। आई होप गाइस यहाँ पर राइट साइड रोटेशन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। गाइस यार वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बहुत इंटरेस्टिंग बात बताना चाहूंगा। फाइनली क्रिकेट की दुनिया में सबसे अच्छा इवेंट यानी कि इंडियन प्रीमियर लीग का इंतजार कर लिया है, एंड मैं इस स्पोर्ट का एक डेडिकेटेड फैन हूँ और इसके बारे में लगभग सब कुछ जानता हूँ। दैट्स वाई मैं हमेशा अपने नॉलेज से प्रॉफिटेबल सॉल्यूशन खोजने की कोशिश करता हूँ, और इसके लिए मैं हमेशा इंटरनेशनल लाइसेंस वाली कंपनी 1xBet का यूज करता हूँ, जहाँ सब कुछ कन्वीनियंट है, बेटिंग लाइन, इंटरफेस, विड्रॉल ऑफ फंड्स। यहाँ आप गेम के स्कोर का प्रेडिक्शन कर सकते हो और रियल मनी कमा सकते हो, और सिर्फ IPL पर बैट लगाकर आप ड्रॉ में पार्टिसिपेट कर सकते हैं और उन प्राइजेस को जीत सकते हैं जिसे 1x टीम ने खिलाड़ियों के लिए तैयार किया था, जैसे सैमसंग गैलेक्सी S23 अल्ट्रा, एप्पल आईफोन 15 प्रो। मेन प्राइज भाई सबसे कूलेस्ट कार नेक्सॉन EV Prime XM है, और इसके अलावा आप यहाँ और भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के 1x गेम्स, ए ह्यूज वैरायटी ऑफ कैसीनो गेम्स, यहाँ तक कि भाई ब्लैक जैक, रूलेट, बैक रेड एंड पोकर भी पा सकते हैं। वैसे मेरा फेवरेट गेम क्रैश है, क्योंकि इसमें बहुत ही सिंपल रूल है एंड विनिंग अमाउंट कई गुना बढ़ाने की क्षमता है। और ये श्योर करने के लिए कि ये सर्विस कितना अच्छा है, आप रजिस्ट्रेशन करने के टाइम मेरा प्रोमो कोड Mario7 यूज करो और पाओ 42,900 रुपए का वेलकम बोनस। ओके तो भाई लोग अब हम जानने वाले हैं लेफ्ट साइड रोटेशन हेडशॉट ट्रिक। अब ये जो हेडशॉट ट्रिक है ना, इसको भाई जंप वाले बंदे को या फिर भाई रनिंग बंदे को भी यूज कर सकते हो। ओके तो ध्यान से समझो ये होता क्या है। इसमें क्या होता है, जैसे आप लोग राइट साइड करते थे ना, राइट साइड एम आता था एनिमी के, अब इसमें लेफ्ट साइड रोटेशन करना है इसी तरीके से जैसे आप लोग राइट साइड करते थे। ओके तो यहां पर देखो ध्यान से, एम इस साइड आना चाहिए, मतलब एनिमी के लेफ्ट साइड आना चाहिए, जैसे राइट साइड करते थे सेम आप लोग करना है, कुछ भी अलग नहीं करना, फायर बटन को नीचे करना है लेकिन राइट साइड ना घुमा करके लेफ्ट साइड घुमाना है, ठीक है। और कुछ भी आप लोग को डिफरेंट करने की जरूरत नहीं है। अब इसको मैं कैसे समझाऊं, मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, आप बाकी समझ जाओगे, ठीक है। आप लोग प्रैक्टिस करते जाना, जैसे आप प्रैक्टिस करते जाओगे ना, तो आपको जो है ट्रिक उससे अच्छा बेटर, मेरे से बेटर होते जाएगा, ठीक है। तो ये याद रखना, प्रैक्टिस करते जाना, आपको ट्रिक भी अच्छे से समझ में आते जाएगा। ओके तो बढ़ते हैं नेक्स्ट जो हमारे रोटेशन हेडशॉट ट्रिक पर। अब गाइस हमारा जो लास्ट हेडशॉट ट्रिक है वो है गाइस फुल रोटेशन हेडशॉट ट्रिक। अब ये जो रोटेशन हेडशॉट ट्रिक है ना, ये हर सिचुएशन पे काम आता है भाई, जैसे स्ट्रेट बंदा खड़ा है या फिर भाई रन कर रहा है या फिर भाई जंप कर रहा है, और ऐसा नहीं कि भाई हर सिचुएशन पे रोटेट कर दे लग गया, ऐसा नहीं
होता, आप लोगों को प्रैक्टिस करना पड़ेगा। पहले आप लोग समझ जाओ, उसके बाद मैं कुछ बताता हूँ आप लोग को स्ट्रिक के अकॉर्डिंग। ओके, तो मैं आपको बता देता हूँ। पहले देखो यहाँ पर क्या होता है, आपका एम कहीं पर भी रहे, यहाँ पर रोटेशन हेडशॉट ट्रिक पर इस तरीके से रोटेशन करना है, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरीके से रोटेशन करने के लिए आप लोगों को क्या करना होगा, आपको कंट्रोल करना होगा। ऐसा नहीं कि भाई फुल रोटेशन कर दिया, आपका एम कहाँ बाहर भाग गया, ऊपर फायर हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसे आप लोग को रोटेशन करना है, उसके बाद भाई स्विच करना है, जैसे स्विच बटन मैं यूज़ करता हूँ, स्विच एंड रन। ओके, तो ध्यान से देखो, एम आया यहाँ पे, फुल रोटेशन मैं करा और वन टैप लगने के बाद स्विच एंड रन करना है। अब यहाँ पे फुल रोटेशन करा, हो गया, ये ट्रिक काम कर गया, ऐसा सोच रहे होगे, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं आपको ऐसे नहीं बता सकता कि ऐसे करोगे तो लग ही जाएगा ये भाई मेरा। देखो मैं ऐसे बोल दिया कि लग जाएगा, ऐसा नहीं होता कि भाई आप गए लग गया, ठीक है। इस तरीके से रोटेशन करना है ये मैं बता सकता हूँ। उसके बाद भाई आपको प्रैक्टिस करना है, और कैसे प्रैक्टिस करना है ये मैं आपको बता चुका हूँ। देखो मैं सिंपल लगा रहा हूँ, 2-3 पन लगा रहा हूँ, जितना बार लगाऊंगा लगेगा, ठीक है। ये यहाँ आया, ठीक है, इस तरीके से रोटेशन करना है। अब भाई स्विच करते ही मैं रन कर रहा हूँ, देखो, ठीक है, ये चीज़ ज़रूर से कर लेना। अब गाइस भले ही आप लोगों को सारे हेडशॉट ट्रिक याद आ गया होगा या फिर समझ गए होगे, लेकिन अगर इसके लिए सेटिंग सही नहीं रखोगे ना, तो आपका किसी में भी हेडशॉट लगने वाला है नहीं। तो सेटिंग भी जान जाओ क्या कुछ लगता है इंपॉर्टेंट। ओके, तो यहाँ पे देखो मैं सेटिंग पे आ जाता हूँ, और सबसे पहले मैं कस्टम एचयूडी पे बता देता हूँ जो कुछ आप लोगों को ध्यान में रखना होगा। ओके, यहाँ पे देखो कस्टम एचयूडी पे आया। अब देखो ये जो फायर बटन है ना, देखो रोटेशन हेडशॉट ट्रिक पे क्या होता है, राइट साइड रोटेशन, लेफ्ट साइड रोटेशन या फिर फुल रोटेशन, तो आपका स्पेस बचना चाहिए नीचे। और बहुत सारे बंदे बहुत ज़्यादा नीचे रखते होंगे, तो वो भाई ज़्यादा बड़ा मत करना इस फायर बटन को। ओके, एक साइज पे रखना, ताकि आप लोग जैसे डाउन अप ड्रैग भी यूज़ करो ना, तो नीचे करने के लिए भी स्पेस बचे। तो ये चीज़ ध्यान रखना, ये बहुत बड़े गलती करते हैं बहुत बार बंदे। ओके, तो ये हो गया। अब गाइस और बहुत सारे बंदे सेंसिटिविटी बोलते हैं, तो यहाँ पे देखो भाई सेंसिटिविटी इधर उधर कुछ भी नहीं भाई। मैं जब से खेल रहा हूँ ना, मतलब हफ्ता भर खेला हूँगा, उसके बाद भाई सब कुछ 100 कर दिया, उसके बाद उसी से खेलता हूँ। तो मैं आपको बोलूँगा कोई छेड़खानी करने की ज़रूरत नहीं है, कोई सा भी गन पकड़ो, ठीक है। आई होप गाइस तीनों हेडशॉट ट्रिक और सेटिंग जो कि ध्यान रखने के लिए बोला वो भी आप लोगों को पता हो गया होगा। तो लाइक कर देना, ये कहे है भाई, इसको यहाँ रखते हैं। ओके, तो एक लाइक ज़रूर कर देना, बिल्कुल भी मत भूलना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, और नेक्स्ट वीडियो की टॉपिक कमेंट कर देना। अपना ध्यान रखना, राधे राधे।